इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ के आए होंगे, तो मैं चलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन की तरफ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमें इसका बेस क्लियर होना चाहिए कि इसका जो बेस है ना वो क्या है, रेडॉक्स है। अब रेडॉक्स क्या है, तो इसके लिए अपने पास एक लेसन आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें बड़े अच्छे से हमें न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे, बट अभी हमें नीड नहीं है उसकी। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं, एक हो रहा है रिडक्शन और दूसरा हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे जो रिडक्शन है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम है, इसको मैं प्लस इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें ओनली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चाहिए डेफिनेशन। अब यहाँ पर ये बताएं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या इफेक्ट होगा, इन दोनों में रिडक्शन में क्या होगा ऑक्सीडेशन में, और यस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जो रिडक्शन में हेल्प करेगा वो रिडक्शन में जो हेल्प करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इटसेल्फ जाएगा ऑक्सीडेशन में। तो रिड्यूसिंग एजेंट जाते हैं ऑक्सीडेशन में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाते हैं रिडक्शन में, वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी कंडक्शन शो करते हैं, दिस कंडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअली थ्री टाइप्स, बट ब्रॉडली तो टू में हम लोग क्लासीफाई कर लेंगे। तो ये कंडक्शन और उनके कंडक्टिविटी के दो टाइप है, कौन से, एक तो वो हो सकता है मेटालिक या फिर दूसरा हो सकता है आयोनिक। मैं भी बता रहा है कि अगर वो मेटल से होगा तो मेटालिक होगा, और उसमें आयन्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो आयनिक होगा। ये मेटालिक वायर से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका एक मेन रीजन रहेगा, मेन फ्री इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल रहेंगे इसके लिए। और क्या है ना कि ये मेटल डिकम्पोज नहीं होता है, ये आफ्टर सम ईयर्स के बाद में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, थोड़े देर के बाद में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मेटल में से कभी भी लिक्विड कंडक्ट हो ही जाएगी, ठीक है। और इसमें ऐसा ओनली इलेक्ट्रॉन के बेस पे सब चलता है, डिकम्पोजिशन वगैरह कोई इसमें नहीं होता है। बट जो आयोनिक है, आयोनिक में एक्चुअली फ्री आयन्स चाहिए, और फ्री आयन्स उसमें पहले बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ सॉलिड स्टेट में आयन्स नहीं बनाते हैं तो हमें उसको एक्वस में लेके जाना होगा, जैसे सॉलिड जो भी आयोनिक सॉलिड है वो एक्वस सॉलिड स्टेट में उसके पास फ्री आयन्स नहीं होते, डोंट हैव इन मीन्स दे डोंट हैव विस्कोसिटी फ्री वेलोसिटी, बट उसको हम लोग एक्वस में लेके जाएंगे तब जाके उसके पास वेलोसिटी हो जाती है, तब जाके वो फ्री आयन्स बन जाते हैं। तो ओनली आयन्स होना सफिशिएंट नहीं है, तो आयन्स कैसे होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट ये आयन्स जितने ट्रांसफर होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। अभी आयन्स एक टाइम आएगा कि खत्म हो जाएंगे, तो फिर उसका हो जाएगा डिकम्पोजिशन। तो ये एक पॉइंट है कि आयनिक कंडक्टिविटी में क्या होता है कि डिकम्पोजिशन नाम की कोई चीज़ हो जाती है, और फिर हमें वो सेल हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, है ना। जो बहुत सारे सेल वगैरह हम लोग हैं देखते हैं ना, हम लोग की बहुत सारे चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं और फिर हम लोग उसको डिकम्पोज होने के बाद में फेंक देते हैं, तो यूज एंड थ्रो वाला ये काम इसमें जनरली देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दो टाइप की कंडक्टिविटी है, इसमें से हम लोग इस लेसन के लिए इसमें इंटरेस्टेड है, फिजिक्स इसमें इंटरेस्टेड है, हम लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं, बट हमारा लेसन हमें बोलता है कि इसकी स्टडी करो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे आर डिपेंड ऑन आयोनिक कंडक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें थी कि मेटालिक कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है, और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और देयरफॉर इसकी कंडक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाती है। बट यहाँ पे कैसा होगा कि जितने आयन्स बढ़ेंगे टेम्परेचर इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री आयन्स इंक्रीज, एंड देयरफॉर देयर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। एक सेमी कंडक्टर भी ऐसा होता है, एक सेमी कंडक्टर भी होता है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी के बारे में भी क्या कहना है, इसके लिए एक केमिस्ट्री में स्पेशल लेसन था, लेसन डिलीट हो गया, कंसेप्ट तो है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज सेमी कंडक्टर का मीनिंग ये होता है कि लो टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर होता है और हाई टेम्परेचर पे वो यस, तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मीन्स इन दोनों में सेम चलता है। और हम लोग जो देखते हैं जो जनरली हम लोग जिसकी कंडक्टिविटी जो हमारे यूज टू कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल जो यूज़ करते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाने से कंडक्टिविटी
कम हो जाती है। या तो हम लोग इसमें डिपेंड हैं, हम सब इस पे ही खेलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली जो आयनिक कंडक्टिविटी है, इसके लिए भी हमारे पास तीन चीज़ें हैं। हम लोग जब स्टडी करते हैं इसको, तो हमारे पास इसकी तीन पॉइंट बनते हैं। कौन सी कंडक्टिविटी? एक कंडक्टिविटी तो है, बट कौन सी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। दूसरी कुछ तो बोला, आर मोलार कंडक्टिविटी। और थर्ड वन इक्वालेंट कंडक्टिविटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना? तो वही रिलेशन यहाँ पे भी लगेगा। बट पहले स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के से इंडिकेट करते हैं कप्पा, और इसका अपना एक रिलेशन है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एरिया में डिपेंड है। तो इसको हमने क्या बोला था? यस, या कप्पा जिला, आपने इसकी ट्रिक भी बना दी थी, ठीक है। तो ये के क्या है? या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज जी? वैसे ही हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी भी होती है। मोलार कंडक्टिविटी को हम लोग ये बताते हैं इन्वर्टेड वी एम ए, जो कि होती है, यस, इट्स अ के बाय एम। अब ये डिपेंड करेगा आपको यूनिट क्या लगाना है, उसके अकॉर्डिंग टू आप लोग वहां पे 1000 लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लगाते हैं इसमें 1000। अब यहां पर क्या है ना कि इसका यूनिट क्या होता है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है कप्पा का? क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये ओम इनवर्स आ जाएगा, और यहां पर लेंथ बाय एरिया, ओम इनवर्स, ठीक है। और ये इसके लिए अगर हम लोग मीटर ले रहे हैं, या फिर इसके लिए सेंटीमीटर ले रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा उसका, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कभी इसका ही एक अल्टरनेटिव हम लोग लगाते थे, है ना? या तो अगर इसका यूनिट अगर ये है कप्पा का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, तो हम लोग यहाँ पर अब लेंगे वही, और ओम इनवर्स, सी एम इनवर्स। और ये मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है? मोलैरिटी क्या चीज़ है? कल आपने देखा था मोल बाय, इट्स अ नंबर ऑफ मोल, इन पर्टिकुलर वन लीटर, वन लीटर जस्ट नथिंग, बट अभी यहाँ पे मैंने 1000 ले लिया है, तो उसको डीएम क्यूब की जगह पे सी एम क्यूब, तो करके मैं 1000 ले रहा था ताकि यूनिट बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट है कि नीडेड नहीं है कि ऑलवेज 1000 लेना पड़ेगा, दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपको इसका यूनिट क्या पूछा है, इससे रिलेटेड है या फिर कुछ और है। तो अब यहाँ पर तो ये मोलैरिटी, अपना मोलार कंडक्टिविटी मोलैरिटी पे से रिलेटेड है, तो वैसे ही इक्वालेंट कंडक्टिविटी किससे रिलेटेड है करके इसको हम लोग रिलेटेड भी ऐसे करते हैं, इन्वर्टेड वी एन, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 के बाय एन। तो यहाँ पर पॉइंट ये बनता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या बनता है, मोलार कंडक्टिविटी, है ना, ये एम की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे वहां पर, तो हमारा बन जाएगा ये मोलार कंडक्ट, नॉर्मल कंडक्टिविटी इक्वालेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। दैट मींस जब देखेंगे हम लोग, तो वैसे अगर एन फैक्टर वन है तो दोनों सेम होगा, एन की वैल्यू अगर मोर रहेंगी तो मोलार कंडक्टिविटी इज मोर देन इक्वालेंट कंडक्टिविटी। एंड जनरली क्या होता है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में, अगर एन की वैल्यू वन है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, बट अगर एन की वैल्यू मोर है तो नॉर्मेलिटी ग्रेटर होती है। बट यहाँ पर क्योंकि वो इनवर्स में है, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एक इक्वल है या फिर वो उससे ग्रेटर होंगी, नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम्स उसका एन रहेगा, टू रहेगा, थ्री रहेगा, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, क्योंकि दोनों में डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले एक और पॉइंट आता है कि
कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के साथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है? ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी के लिए इनका डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के लिए क्या रिलेशन है इन दोनों का? तो यहाँ पर तो देखो स्पेस मोलार कंडक्टिविटी में डायरेक्ट दिखता ही है कि ये कंसंट्रेशन टर्म के में इनवर्स है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा उतना ही कम होगा, उसके अपोजिट जितना डाइल्यूशन बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, ये समझ में आता है। बट हमें अंडरस्टैंड करना होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को। हाँ, उससे क्या होता है इसमें, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे होते हैं कि हमने एक बीकर ले लिया और उस बीकर में एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन उसके पास, ठीक है, उसके पास कुछ आयंस थे, इतने एरिया में बस इतने दो आयंस थे, बट जब डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएशन का रेट बढ़ेगा एंड देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजेस। ठीक है, बट उतने ही एरिया में अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन पर्टिकुलर एरिया ये कितने हो गए, पहले से कम हो गए हैं। तो जो अपना कप्पा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये डाइल्यूशन के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है और कंसंट्रेशन से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। वही अगर हम लोग मोलार कंडक्टिविटी देखेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी तो डायरेक्टली बता रहा है कि ये मोलार कंसंट्रेशन से इनवर्स रिलेशन है और डाइल्यूशन से डायरेक्ट है। बट डाइल्यूशन से डायरेक्ट क्यों है रिलेशन इसका, उसको अंडरस्टैंड करो। डाइल्यूट करने पे पर्टिकुलर एक मोल अगर सॉल्यूशन है तो उसके नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उतने मोल में कितने आयंस है, जितने आयंस रहेंगे उतनी कंडक्टिविटी, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो दिस कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन कि कितना मोल है, दिस कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन कि कितने एरिया में उसके आयंस है। तो दोनों को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको देता रहता हूँ, आपको पता है, बट अभी हम लोग उसको थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आप मुझे बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले एक और चीज़ हमारे पास होती है, इससे पहले कि हम लोग उस ग्राफ पे चल जाएं, हमारे पास एक सेल कांस्टेंट नाम की चीज़ भी होती है जिसको कि हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं और कुछ जगह पे जी स्टार भी लगा देते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट नहीं, बट पहले वो तो बाद में जाएंगे, क्या है एल बाय ए हो जाता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते सॉल्व करने पे, ये वैल्यू एल बाय ए की वैल्यू हम लोग अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में अपना जो के था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये जी एल बाय ए था, ये जी को ही हम लोग 1/r लिख सकते हैं, राइट, और ये एल बाय ए को हम लोग बी लिख सकते हैं। तो वो यूनिट वो कंसर्न, ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है और फिर फाइनली अपने पास बन जाता है बी इज इक्वल्स टू के इंटू आर, यस। तो ये फॉर्मूला उतना ही बेकार नहीं है जितना कि आप हो जितना कि आप मतलब समझ रहे हो, थोड़ा लैंग्वेज वीक है थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज के प्रॉब्लम में समझ जाते जाओ, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, इट्स अ बापू का राज, आप लोग ट्रिक बनाते रहते हैं, है ना, यस। वॉचे वो घर पे तो बापू का राज ही चलेगा, है ना, आपको लग रहा होगा कि आप कुछ भी करेंगे तो बेटा पिटाई हो जाएंगी, बाद में पता चल जाएगा कि बापू का राज चलने वाला है। ओके, तो वॉचे वो, तो दिस इज अबाउट द सम टर्म्स, ये बेसिक इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से पीवाईक्यू से सॉल्व कर लिए तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं इसके। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ये अगर मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब मुझे बताओ वो ग्राफ, जबकि हमारे पास यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इधर और यहां पे अपनी मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से, मोलार कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से जारी है, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो डाइल्यूशन की तरफ, जीरो कंसंट्रेशन की तरफ,
तो पहले तो बताओ कि इधर जा रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन के बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो ग्राफ कैसे चलेगा, अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड आएगा नीचे। अब डाउनवर्ड आएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक अपने पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यस सीधा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तूने बोला हाइपरबोला। अच्छा ऐसे, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी कम और वीक की ज़्यादा। ऐसा ही है ना, आपको बोलना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि होता क्या है कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा थोड़ा सा डायल्यूट करने पर। बट होता क्या है, वीक की इनिशियली कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, बट जितना उसको डायल्यूट करते जाओगे आप, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएंगी और इन्फाइनाइट डायल्यूशन भी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डायल्यूट हो सकता है। इनिशियली अगर उसकी कंडक्टिविटी 1 थी सपोज जब पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, और ये फाइनल फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके कंपेरिजन में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा रहती है, बट ज़्यादा चेंज नहीं होगी। तो दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस ग्राफ से हम लोग, इस ग्राफ के बाद में हम लोग किसकी कंडक्टिविटी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इस ग्राफ के आइडिया से। यहाँ से अगर सपोज मुझे पता करना है कि इस कंसंट्रेशन पे इसकी कंडक्टिविटी कितनी है, तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि हाँ यार इतनी होगी। बट वीक के लिए बता सकता हूँ कैसे, नहीं। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर नहीं सकता। तो कुछ आपके पास सोल्यूशन है क्या उसका, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि स्ट्रांग की तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉ वगैरह आता है क्या, कौन सा लॉ है, यस कॉलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। जब तक आप इसको रीड करें, कॉलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसका बोलना बड़ा सिंपल है, इसके 4 to 5 एप्लीकेशन है और हर एप्लीकेशन पे PYQ मिलेगा आपको, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंस है कॉलराज लॉ का। कि पहला उसने बोल दिया पॉइंट कि अगर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है एक इलेक्ट्रोलाइट की, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट ए बी, तो वो क्या बोलता है, उसके अंदर आयंस कौन से हैं, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो उन दोनों की कंडक्टिविटी चेक कर लो ना, दोनों को ऐड कर दे खत्म। तो मोलर कंडक्टिविटी आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन, जो भी आप देखना चाह रहे हो, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, इन दोनों को चेक कर ले, दोनों को ऐड कर ले। इसका बोलना क्या है कि जब एक सॉल्यूशन में वो आयंस होते हैं तो वो उससे डिसोसिएट हो जाते हैं बट अपना एक, और सेपरेट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं बट अपना एक कंट्रीब्यूट करते हैं उसके टोटल कंडक्टिविटी के लिए, है ना। ए पॉजिटिव अलग हो जाएगा, बी नेगेटिव अलग हो जाएगा, आज आप यहाँ पर है क्लास में हैं, कल एग्जाम देंगे, कोई दूसरे कोई GMC कुछ किसी को MBBS का दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, कोई दूसरे कॉलेज मिल जाएगा, सब अलग अलग चल जाएंगे। बट आप बिलोंग तो किसको कर रहे होंगे, आप यस आप इसी को बिलोंग कर रहे होंगे, और जो कुछ भी अच्छा करोगे तो इसी का नाम करोगे, और मुझे बिल्कुल पता है अगर कुछ गलत भी करोगे तो यस नाम रोशन आप करोगे, ठीक है ना, और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप कुछ अच्छा ही करोगे। या हाँ ठीक है चले या तो दिस इज ये पहला एप्लीकेशन इसका, कि अगर हमें NA से ली कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करें, ये NA और CL की कंडक्टिविटी चेक कर लो, आंसर खत्म। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस। सेकंड, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तो कैलकुलेट कर ली, वीक की कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड को पहले डिसोसिएट कर लो, या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बोलो, जीरो कंसंट्रेशन बोलो। तो सबसे पहले तो डिसोसिएट कैसे होता है, CH3CO नेगेटिव एंड इन दोनों की कंडक्टिविटी चाहिए, बट पॉइंट इज दैट कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाने से डायरेक्ट वैल्यू तो मिलेंगी नहीं, तो इसको स्ट्रांग बना दो,
इसको स्ट्रांग बनाने के लिए उसको कोई आयंस लगा दो। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट के भी दो टाइप होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। या फिर पहले तो सब्सटेंस के दो टाइप होते हैं, जो डिसोसिएट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएट नहीं होगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लाइक ग्लूकोज। लास्ट में जो आपने देखा ग्लूकोज, उसके बाद में यूरिया एंड अल्कोहल, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो गए। अब उसको मुझे इलेक्ट्रोलाइट में बनाना है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको क्या लगा दूं मैं? ग्रुप वन के एलिमेंट लगा दो, क्योंकि वो स्ट्रांग बेस होते हैं। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, क्या नेम होता है इसका? सोडियम एसीटेट। यस, सोडियम एसीटेट प्लस इसको कुछ लगा दो ऐसे कि वो कॉस स्ट्रांग हो जाए, है ना। HCl है, HNO3 है, कुछ भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि HCl ऑलवेज HCl 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 बस चला आ रहा है अपने पास, HNO3। हाँ, दो ही ऑप्शन बन रहे हैं, HCl HNO3, क्योंकि दो ही बताए, H2SO4, HBr, HAI, है ना। वो सारे सभी यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज करते? चेंज करेंगे इस बार एग्जांपल HBr। अब यहाँ पर हमें मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करनी है, जो उसमें नहीं आयंस है उसकी अलग कर दो उसको, किसका? NaBr, NaBr अलग कर दो। तो NaBr की कंडक्टिविटी इसमें से अलग हो जाएंगी, रिमेनिंग ये और ये। तो दिस इज नथिंग बट एसिडिक एसिड। तो दिस इज एप्लीकेशन नंबर सेकंड फॉर कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। व्हाट द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, और क्या बोलता है ये बता सकता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हो सकता है एट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD अल्फा। कैसे? दैट मोलार कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन बाय मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि आपको मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, आपकी जो ये है आपका जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम कितने मार्क्स आप ले सकते हो ये मुझे पता है, और आप कितना ले रहे हो ये भी मुझे पता है। तो वही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, कि कितने आप पढ़ाई कर रहे हो, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा उसका डिसोसिएशन का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन तो करना कुछ नहीं है, ये अपना जो अल्फा आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हो गया, और क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे इंडिकेट करेंगे? बट ये कप्पा वो के नहीं है जो आप समझ रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिव वाला। यस, क्या बनता है ये ना? वो तो अल्फा है, सी अल्फा स्क्वायर। और ये इक्वेशन आपको पता है कहां मिलता है, कौन से यूनिट में आता है, कौन से चैप्टर में आता है ये इक्वेशन, बताओ। यस, चलो इक्विलिब्रियम में आता है। किसने दिया था इक्विलिब्रियम की इक्वेशन? ले चैट लिया। यस, ओस्टवर्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, दिस एप्लीकेबल, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। और बहुत सारी चीजें आती है इसमें, या बड़ी मजेदार पॉइंट बनते हैं। यस, बट इसका एक और एप्लीकेशन भी है कोलरॉश का, वो लास्ट एप्लीकेशन क्या है? यस, हमारे पास अगर मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था 1000 K/m, एंड देयर फॉर व्हाट इज m? 1000 K/m। यस, तो ये क्या होता है? दिस इज सोल्युबिलिटी, कि उसकी कितनी सोल्युबिलिटी है, वो डिजोल्व कितना हुआ है, कैसा हुआ है। ये सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी फैक्टर कहां मिलता है अपने को? सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, कौन से लेसन में मिलता है बताओ? काइनेटिक में, वो भी इक्विलिब्रियम की ही देन है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम से रिलेट हो जाती है, हर चीज इक्विलिब्रियम से रिलेट हो जाती है। ओके ओके, तो दीज आर द सिक्स एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ, और इस सिक्स के सिक्स पे PYQ है, और मैक्सिमम PYQ जो आपको मिलते हैं नीट में वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक जाते हैं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट तक जाते हैं, और बहुत ही सिंपल मिल जाते हैं ये वाले, इतने सिंपल है। इसका सपोज 100 है, इसका 200 है, इसका 100 है, इसका 200 है, और इसका 50 है, दिया रहता है वैल्यू। इसका 100 है,
इसका 200 है और इसका 50 है, तो बस क्या करो दोनों को ऐड करो और इसको माइनस करो। इतने सिंपल अपने को इसके पी वाई क्यू देखने मिलते हैं एंड बट स्टिल हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते उसको। या तो दिस इज अबाउट द कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। आगे बढ़ जाए, आगे क्या आता है, आगे में और क्या आता है। अब हमारे पास इससे आगे हम लोग इसके पार्ट टू पे जाते हैं, ये पार्ट वन रहता है अपने लेसन का। फिर इसका एक पार्ट टू आता है कि हमारे पास ये जो सेल थे, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नथिंग बट कौन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक सेल, लुई की गैल्वेनी, आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेक सेल। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये करता है, नेम ही बताता है, ये कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में करवाएगा। इसमें से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी है, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या करता है, ये करवाता है केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाता है। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिक्वायर एनर्जी, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना है तो इसको हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो H2 और O2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता था मेटल के प्यूरिफिकेशन में, मेटलर्जी नाम का एक लेसन था जो कि छोड़ो कल की बातें, डिलीट लेसन हो चुका है, तो उसमें एक टॉपिक आता था। बट ये मेटलर्जी डिलीट हो गया है, ये भी डिलीट नहीं हुआ है और ना ही डी ब्लॉक डिलीट हुआ है। डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, मेटल्स हैं डी ब्लॉक में, मेटल्स हैं और वहां पर अपने को कॉपर है, ज़ेडन है ना, एजी है, तो वो सारे पॉइंट हमारे पास वहां पे भी रहेंगे। ओके, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज रखना है इसका कि कैसा होता है इसमें प्यूरिफिकेशन। बट अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे और देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी जो मुझे है आपको बतानी और आपको है सुनानी। या तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेस्ट एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेंगे, मोल्टन, मोल्टन NaCl, मोल्टन का मीनिंग क्या होता है, मोल्टन बोलो अदरवाइज एक्वस, मोल्टन मींस एक्वस, मोल्टन इन द सेंस मेल्ट हुआ, जो हाई टेम्परेचर पे ले जाने के बाद मेल्ट हो गया। यानी अभी NaCl कौन से स्टेट में है, ये NaCl सॉलिड में नहीं है, मोल्टन NaCl भी लिक्विड में है बट उसमें वाटर का एक ड्रॉप भी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। बताओ कौन सा जो जाएगा, वो कौन सा है दोनों में से जो जाएगा रिडक्शन में और दूसरा ऑक्सीडेशन में, Na जाएगा रिडक्शन में और रिडक्शन कौन से सरफेस पे होता है, कैथोड। यस, तो कैथोड में Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Na बन जाएगा और इसका कलर गोल्डन थोड़ा सा होता है, सिल्वरी को थोड़ा सा गोल्डन टाइप का। एंड अपने पास जो क्लोरीन है इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो कौन से सरफेस पे, एनोड पे होगा, Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बट इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन, ये टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर रिएक्शन देखे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, हमें मिलेगा 2Na पॉजिटिव के साथ में 2Cl नेगेटिव, दैट गिव्स 2Na प्लस Cl2 गैस। यस, ग्रीनिश येलो गैस रिलीज होती है और यहाँ से अपना ये मेटल प्यूरिफाई हो जाता है, इसमें सेपरेट हो जाता है थोड़ी। बट ये तो केस हो गया किस, कौन सा,
मोल्टेन का, ऐसे मोल्टेन MgCl2 करेंगे तो क्या बनेगा? Mg बनेगा प्लस Cl2 गैस रिलीज होगी, AlCl3 करेंगे एल्यूमिनियम बनेगा और क्लोरीन गैस रिलीज होगी। बट ये सब कब तक होगा? मोल्टन कंडीशन में। अब हम लोग करने वाले उसका एक्वस, एक्वस कंडीशन के लिए क्या होगा? एक्वस NaCl, एक्वस NaCl जब हम लोग लेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अगर हम लोग एक एक साइड देखे पॉजिटिव पार्ट तो है Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव पार्ट देखे तो Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट ये तो पॉजिटिव पार्ट्स है, ये नेगेटिव पार्ट्स है, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि ये देखना है कि दोनों में से किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है उसमें से रिलीज होने के लिए, और उसको बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी को एकदम शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बस ये समझ जाओ कि जिसको जितना कम एनर्जी लगेंगी वो वहाँ से रिलीज होगा पहले, और किसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है जो रिलीज नहीं होना चाहता है ना, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी। सॉल्यूशन में जो ज़्यादा रहेगा वो इजीली रिलीज नहीं होगा, जो सॉल्यूशन में स्टेबल होगा वहाँ से रिलीज होना प्रीफर नहीं करेगा। जैसे एस ब्लॉक वाले जो मेटल्स हैं वो सॉल्यूशन में रहना चाहते हैं कि मेटेलिक फॉर्म में रहना चाहते हैं, मेटेलिक फॉर्म में, तो वो वहाँ से नहीं निकलना चाहेंगे, तो उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है इसमें से रिमूव करने के लिए। वही अगर डी ब्लॉक वाले एलिमेंट देखें स्पेशली जो इनर्ट मेटल है कॉपर गोल्ड सिल्वर, तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं रहना चाहते, ये मेटेलिक फॉर्म में रहना चाहते हैं, तो इनको रिलीज करना सबसे ईजी हो जाएगा। इसके पहले कुछ Zn वगैरह भी है, तो ये नथिंग बट आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें मेटल का अरेंजमेंट है, और इधर में तो बहुत सारे मेटल है Hg कॉपर Ag NaU प्लैटिनम, ये सारे इनर्ट मेटल हैं, ये बहुत इजीली रिलीज होना चाहेंगे, सबसे कम पोटेंशियल लगेगा इनको निकालने के लिए। बट एस ब्लॉक वाले को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, निकलते ही नहीं है, रिलीज ही नहीं होते हैं। यानी अगर हम लोग अगर मेटल बनाना चाहते हैं कोई एस ब्लॉक वाला, तो एक्वा सोल्यूशन नहीं लेना चाहिए, मोल्टन लेना चाहिए। तो ये तो हो गया कटायन के लिए, ऐसा ही पोटेंशियल किसके लिए है? अनायन के लिए है। अनायन में भी हमारे पास OH नेगेटिव से इधर में ओनली Cl नेगेटिव है, ठीक है, बाकी सारे Br नेगेटिव, या उसके बाद में अपने पास फॉस्फेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, तो ये भी अगर पानी अगर एच को OH नेगेटिव है तो ये कभी रिलीज नहीं होंगे। OH क्या रिलीज करता है? O2, और एच पॉजिटिव क्या रिलीज करता है? H2। तो ये कंसेप्ट आपको रिमेंबर रखना है डिस्चार्ज पोटेंशियल का। इसका एग्जांपल लेते रिटर्न बैक टू द पवेलियन, ये देखो अब यहां पर था, ये दोनों थे, इन दोनों में से कौन निकलेगा? Na पॉजिटिव H पॉजिटिव में एस ब्लॉक का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है तो रिलीज नहीं होना चाहेगा, इसको ज्यादा एनर्जी लगती है तो ये रिलीज नहीं होगा, एच पॉजिटिव को कम एनर्जी लगती है। जैसे फ्राई करना है अपन कोई जिसको, तो पहले फ्राई कौन होगा? फिंगर्स होंगे कि पूरी होगा? पूरी अगर फ्राई कर रहे हैं हम लोग और फिंगर्स भी फ्राई कर रहे हैं, तो ये वाले फिंगर्स नहीं, ये फिंगर फ्राई क्यों करेंगे? ठीक है, या यस यस, तो फिंगर्स हम लोग फ्राई कर रहे हैं और पूरी फ्राई कर रहे हैं, तो पूरी पहले फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं इस सब चीज़ों का, तो पहले फिंगर्स फ्राई हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है और एच पॉजिटिव है, तो एच पॉजिटिव पहले फ्राई होके वो रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, वही अपना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है सीरीज है उसी को अरेंजमेंट है, उसी का नियर बोर्ड अरेंजमेंट है। हाँ, एस ब्लॉक के नेगेटिव में आते हैं करके तो रिलीज नहीं होना चाहते हो, ये एक्चुअली पोटेंशियल नहीं है, दिस नॉट द पोटेंशियल, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव देम, दिस रिक्वायर मच मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, करके
मैंने अरेंज किया इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल से, यानी कितना मुझे पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा, कितनी मुझे वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। दूसरे मीनिंग क्या है कि जिसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी मैं उसके अकॉर्डिंग तो अरेंज कर दिया, इसको बहुत कम एनर्जी लग रही है, इसको उससे ज़्यादा लग रही है, इसको उससे ज़्यादा लग रही है, और एस ब्लॉक वालों को सबसे ज़्यादा लगती है, तो निकलना नहीं चाहते। अब जैसे सोडियम है, वो एन ए पॉजिटिव रहना चाहेगा कि एन ए बनना चाहेगा? भैया एन ए बनकर वो तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो कैसा रहना रहेगा? एन ए पॉजिटिव रहेगा। तो उसको बताया कि अगर मैं सोल्यूशन से निकल जाऊंगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाऊंगा करके वो सोल्यूशन में रहना चाहते हैं, और हमें उसको वहाँ से निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये बच्चा कोई गेम खेल रहा है, उसको वहाँ से बेटा हटा देना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और वही इधर ये पढ़ाई कर रहा है, इसको यहाँ से निकाल देना, इट्स वेरी इजी। ये हाईली अनस्टेबल है, यहाँ पर ये अनस्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देंगे और ये मेटलिक फॉर्म में आ जाएंगे, और ये यहाँ पर क्योंकि अनस्टेबल है, यहाँ पे ये स्टेबल है, यहाँ पे रहना चाहते हैं, इनको यहाँ से निकालना और इसमें लेके जाना डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है ना। वैसे इधर में भी है कि OH नेगेटिव से ज़्यादा कम एनर्जी अपने को बस क्लोरीन को लगती है, तो अभी हमारे पास ये दोनों हैं, तो इन दोनों में से कम एनर्जी किसको लगेंगी? Na पॉजिटिव का, H पॉजिटिव का, तो पहले को रिलीज हो जाएगा H2, और इन दोनों में से किसको लगती है? तो Cl2 कौन से फॉर्म में, Cl नेगेटिव कौन से फॉर्म में रिलीज होगा? Cl2। तो एक्वस NaCl का रिजल्ट क्या है? H2 और Cl2, ये दो गैस वहाँ पे रिलीज होती है, वहाँ पे सोडियम नहीं बनता। फॉर एग्जांपल मेरे पास है डाइल्यूट, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास है H2SO4 एक्वस, कंसेंट्रेट नहीं है, थोड़ा सा डाइल्यूट है। तो इसके पास कौन से आयन्स है? अब H पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव, पानी में भी H पॉजिटिव, और एक पानी में है OH नेगेटिव। अब इन दोनों में से कौन सा रिलीज होगा? यह H पॉजिटिव से H2 ही जाएगा, H2 गैस बनेंगी, और इन दोनों में क्या सल्फेट रिलीज होना चाहेगा? सल्फेट इज हाईली स्टेबल इन दैट सॉल्यूशन, हाईली स्टेबल है सॉल्यूशन में, वो रिलीज नहीं होना चाहता है। और O2 OH नेगेटिव कौन से फॉर्म में निकलता है? O2 में। तो H2SO4 का भी जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या है? H2 और O2 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूज करते हैं सोडियम नाइट्रेट एक्वस, अब थिंक करो, दिखना चाहिए डायरेक्ट आपको, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव OH नेगेटिव, इन दोनों में से निकल जाएगा H2, और इनमें से निकल जाएगा O2, यस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। बट अगर वो मोल्टन रहता तब जाकर ही सोडियम रिलीज हो पाता, यानी पता चला कि एस ब्लॉक एलिमेंट को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप एक्वस में करो कर सकते हो कि मोल्टन में करोगे? यस, क्वेश्चन आता है एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए एस ब्लॉक में क्वेश्चन आता है कि कैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से मेथड लगाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्यूशन। बट द पॉइंट इज दैट दीज इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप्स, यस इनर्ट है तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसा था वैसे ही हो रहा था, बट अगर वो रिएक्टिव है तो दैट कैन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। इनर्ट के अब तक जितने एग्जाम्पल देखे वो सारे हैं, इसमें ग्राफाइट वगैरह है, बट इसमें है कॉपर गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम इधर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgCl इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कैसा है? इनर्ट है, अगर वो इनर्ट है तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
और AgCl जो है उसमें अगर AgCl एक्वस भी है तो Ag पॉजिटिव H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। चलो बताओ इन दोनों में कौन रिलीज होगा? यस Ag, और ये डी ब्लॉक का है और ये हाई इनर्ट मेटल है, ये Ag पॉजिटिव में रहना चाहता है कि Ag में रहना चाहता है? Ag इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ऊपर है एच पॉजिटिव के अबव, एज निकल जाएगा। और इन दोनों में yes, तो यहां से ये गैस रिलीज होगी और यहां पर ये डिपॉजिट होगा। बट ये कब होगा? जब वो इनर्ट रहेगा। अब हम लोग लेते हैं इसी का एग्जांपल, AgCl इन Ag इलेक्ट्रोड, उसी का इलेक्ट्रोड लेने का। वो इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड प्योर है और ये इम्प्योर है ऐसा कंसिडर करके। तो हमारे पास Ag का इलेक्ट्रोड है, तो Ag से बना हुआ है वो इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड भी Ag से बना हुआ है तो Ag तो रहेगा ही उसमें। साथ में अपने पास सपोज ये अपना ये कैथोड है और ये एनोड है, तो एनोड की तरफ कौन से आयन जाएंगे? Cl नेगेटिव और पानी से OH नेगेटिव। और इधर कैथोड पे कौन से जाएंगे? Ag पॉजिटिव H पॉजिटिव, ठीक है। तो कैथोड, कैथोड कौन से रिएक्शन जाता है? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे रिडक्शन होती है, राइट। तो H पॉजिटिव Ag पॉजिटिव और Ag, इसमें क्या लगता है सबसे फास्ट रिडक्शन किसका होगा? सबसे फास्ट रिडक्शन होता है मेटल का, और मेटल में भी जो Ag पॉजिटिव में है उसका। तो वो क्या करेगा? Ag पॉजिटिव अपने आप को कन्वर्ट कर देगा Ag में, ये डिपॉजिट होते रहेगा कैथोड पे। एनोड पे अगर आ जाए तो ऑक्सीडेशन की बात अगर हम लोग करें, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करना चाहता है? यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, देखो समझो। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या फिर क्लोरीन में से? तो यहां पर भी OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, Cl नेगेटिव देना चाहेंगे इजीली, कि Ag देना चाहेंगे? यस, तो यहां पर भी Ag अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, मेटल है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, ये सोल्यूशन में रहेगा और फिर ये जाएगा इधर के साइड में और कैथोड पे ये कंटिन्यूसली Ag डिपॉजिट होता जाएगा। यानी एनोड पे कुछ बनता ही नहीं है, एनोड पे ओनली ये यहाँ पे Ag पॉजिटिव सॉल्यूशन में रहता है, कैथोड पे बनता जाता है, क्या बनता है? यस, तो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है प्योर Ag और इसका साइज बढ़ने लगता है। और हमें सरफेस के मेटलर्जी में बताया था कि इसके नीचे में यहाँ पर, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होती है, वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे बनती है, डिपॉजिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एनोड मड, एनोड मड उसको बोला जाता था। और वो एनोड मड में क्या रहता था? मड यानी मिट्टी, तो उसमें रहता था सैंड, अर्थी पार्टिकल्स, ऐसा कुछ नहीं रहता था उसमें, रहता था उसमें रहते थे मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर एंड अदर थिंग्स। यस, ठीक है ना। ऐसे सिक्स मेटल की लिस्ट एनसीईआरटी में गिवन थी, बट अब मैं ये इसको नहीं बता सकता डिटेल में, डिलेट है अपने को लेसन वो। ओके, तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस। बट कितना अमाउंट डिसोसिएट मीन्स कितना अमाउंट वहाँ पे लिबरेट हो रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है, ये चेक करने के लिए क्या आता है आज, क्योंकि फ्राइडे भी है। फैराडे को लेके आना इंपॉर्टेंट है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा उसके बारे में बोलता है। तो वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट रिस्पेक्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपॉजिट लिबरेट कब तक होंगे? जब तक उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, तब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बर्न, वेट डिपॉजिट होना मत। अपने वो देखिए क्या फ्लोर की जो ये होती है मशीन वगैरह जो इसमें आटा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें अगर हमने इधर से वीट ऐड कर दिए, बनाते इन द सेंस उसमें से वीट ऐड करेंगे तो वो पाउडर के फॉर्म में आटा बनता है, ठीक है। तो वो जैसे इधर मैंने
एक एक्सेस अमाउंट ऑफ एजी आया, सॉरी एजी बोल रहा हूँ, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दिया उसमें, तो वो कंटिन्यू होता रहेगा, बट सडनली लाइन चली गई तो क्या हो जाएगा? अरे क्यों, इतना एक्सेस अमाउंट में तो ये अपने पास हीट था, तो उसके लिए मशीन भी चाहिए होंगी ना, चलनी चाहिए ना। तो वैसे ही ये क्या बोलना है कि वेट तब तक डिपोज होते रहेंगे जब तक उसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। इसी को ओपन करते हैं तो क्या बनता है, एक यहाँ पे आता है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट, दैट इज कॉल्ड एज जेड, और क्यू का फॉर्मूला। अच्छा आईटी, मुझे लगा कि आपको आईटी में जाना है, आईटी सेक्टर, मुझे सोच रहा हूँ कि आप नीट वाले हो भैया, मेडिकल लाइन में जाओ। ओके आईटी, चलो ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे जेड को, तो हमारे पास मिलता है जेड तो क्या होता है, इट्स इक्वालेंट वेट बाय 96500 फैराडे। तो अपना फॉर्मूला फाइनल बन जाता है आई इंटू टी इंटू इक्वालेंट वेट बाय 96500, और ये 96500 क्या है, यस फैराडे कांस्टेंट है, बट फैराडे का मीनिंग क्या होता है, वन फैराडे का मीनिंग, यस व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन फैराडे, नो डाउट 96500 कूलम हो जाता है, फिर कैसे, यस इट्स अ चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल नथिंग बट 6×10^23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है, इसका आंसर बनता है 96, यस उसको उन्होंने अप्रोक्सीमेटली ले लिया है इतना, एक्चुअली 96500 नहीं आता, वो आता इतना, और वो ले लेते इतना, और आप क्या क्या करते हैं सर, ये अप्रोक्सीमेटली इसको 96485 ले लो क्या, या फिर इसको सर 90 ले लो क्या, अरे उन्होंने इसको इतना ले लिया है, तो आप कैलकुलेशन टाइम में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, और आंसर भी जो होते हैं ना वो एकदम अप्रोक्स आंसर होते हैं, तो आपको बिल्कुल अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करना है ऑप्शन को मैच करने के लिए, या ओके तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, कितना वेट डिपॉजिट होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक एग्जांपल पे, सोडियम, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो सोडियम का वन मोल यानी कितना ग्राम होता है, 23 ग्राम, ये बनाने के लिए मुझे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एंड दैट इज वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नथिंग बट वन फैराडे, ठीक है। वही अगर एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है तो आई नीड वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम नथिंग बट 27 ग्राम, एंड दैट रिक्वायर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट वन, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट रिक्वायर 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये 1 फैराडे और ये 3 फैराडे। कैल्शियम के लिए कितना लगेगा, कैल्शियम का 12 ग्राम डिपॉजिट करना है, 12 ग्राम, सॉरी कैल्शियम का 20 ग्राम करो डिपॉजिट, 1 फैराड लग जाएगा। एल्यूमिनियम का 9 ग्राम, 1 फैराडे, तो 1 फैराडे से जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है वो उसके ग्राम इक्वालेंट के बराबर होता है, 9 एल्यूमिनियम का ग्राम इक्वालेंट है, 20 कैल्शियम का ग्राम इक्वालेंट है, 12 मैग्नीशियम का ग्राम इक्वालेंट है, 108 एजी का ग्राम इक्वालेंट है, तो 1 फैराडे से कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होती है, 1 ग्राम इक्वालेंट, ठीक है, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्वालेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होती है। बट ये बोलना है फैराडे के फर्स्ट लॉ का, इसको कोई गैस से रिलेट करो ना, क्या होता है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन वन मोल के लिए, वन मोल अगर ये गैस है तो दैट रिलीज 22.4 लीटर, एंड दैट रिक्वायर 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके 2 फैराडे से इतना बन रहा है, ठीक है। तो ये गैस के लिए भी, किसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है, कितना भी डिपॉजिट हो रहा है और कितना लिबरेट हो रहा है। बट सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ सीरीज ऑफ सेल के लिए है कि हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो जितना भी वेट डिपॉजिट होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्वालेंट वेट, एंड देयरफॉर
W1 by W2 is equals to E1 by E2. ये नंबर ऑफ स्किल यूज कर सकते हैं आप, W1, E1, W2, E2, W3, E3 एंड सो ऑन। एजी का इतना अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद इतना वेट डिपॉजिट हुआ, तो कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा? ऐसे जब हमें क्वेश्चन आता है तो तब जाके हम लोग इस फॉर्मूला से जाते हैं। फैराडे के सेकंड लॉ पे भी क्वेश्चन आते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अपना सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है लेसन का। लेसन का थर्ड पार्ट जो है वो किस पे डिपेंड है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल बताने के लिए टाइम नहीं है। कौन सा सेल? डैनियल सेल। डैनियल सेल किससे बना है? यस, उसमें एनोड पे क्या होता है? इसके एनोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे ऑक्सीडेशन और गैल्वेनिक में एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है भैया। चार्ज चेंज हो रहा है, कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर बन जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो Zn इधर जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, वी गेट Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव, दैट गिव्स Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो Zn जो मेटल है वो Zn 2 पॉजिटिव में आयंस में चल जाता है, तो Zn डॉट का साइज छोटा हो जाता है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉपर में बनता है तो कॉपर राइट डॉट का साइज बड़ा हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे होते हैं? एनोड से कैथोड जा रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा ट्रांसफर हो रही होंगी? कैथोड से एनोड। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो रिप्रेजेंटेशन का कोई का ये क्या होता है? दोनों को सेपरेट करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन, उसके सेल को उसके सॉल्यूशन सेपरेट करने के लिए लेफ्ट साइड में एनोड। एनोड कौन सा है? Zn और Zn2 पॉजिटिव में। आप Zn कहां लिखे, Zn2 पॉजिटिव कहां लिखे? Zn Zn2 पॉजिटिव नहीं लिखना है, जिस पे चार्ज नहीं है उसको एक्सट्रीमली राइट, और जिस पे चार्ज है उसको ये Zn का सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन भी मेंशन कर सकते हो वैसे कॉपर में भी। तो ये बन जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। कभी कभी ये रिप्रेजेंटेशन से भी रिएक्शन बनानी होती है, रिएक्शन से भी रिप्रेजेंटेशन बनाना होता है। बट इस सेल का पोटेंशियल कितना आता है? 1.1 वोल्ट। और ये बोलते हैं इसका ये होता है ई नॉट सेल, जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव है। सर कहाँ लेके चले गए आप? एक्सटेंसिव इंटेंसिव है? यस, इंटेंसिव एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। और फाइनली हमारे पास ये स्टैंडर्ड सेल और सेल पोटेंशियल की एक इक्वेशन होता है, वो बता दो फिर मैं रुक जाता हूँ। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना? इसमें इन दोनों पे भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट, देन विच वन इज ग्रेटर, ई सेल और ई नॉट सेल? यस, प्रोडक्ट का ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी इतना माइनस करना पड़ेगा, तो ई नॉट सेल में से इतना माइनस करने के बाद ई सेल बन रहा है, तो ई नॉट सेल मोर होगा। एंड इसके अपोजिट
कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मोर नहीं है, कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट का मोर है। क्या कर रहा हूँ मैं, किच 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 किच। हाँ, तो ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल एंड द लास्ट कंडीशन कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, चार्ज भी सेम होना चाहिए। देखो ये कंसंट्रेशन सेम होने के बाद में भी चार्ज अगर सेम नहीं है ना तो सेम नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। कॉपर टू पॉजिटिव एल थ्री पॉजिटिव, कंसंट्रेशन सेम है तो भी नहीं होगा। ये तो ओवरऑल हम लिख लेते हैं, याद दिलाना कभी समझाऊंगा। तो ई सेल इज इक्वल्स टू टी नॉट सेल, ये तीन कंडीशन अपनी बनती है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, बट अभी इतना रुक जाते हैं, दिस वन इज सफिशिएंट। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लेसन में, बढ़िया से लेसन को रिकॉल करें, बढ़िया से एग्जाम दे दें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कल आपकी एग्जाम अच्छी जाएंगी। क्वेश्चन तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।